देश आजादी के 100 साल मनाएगा। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ लता वशिष्ठ आपके साथ। समय हमारे जीवन की कुंजी है। सुख हो या दुख हो, सफलता हो असफलता हो, सब कुछ समय पर ही निर्भर है। अतः हमें समय के साथ समय के मूल्य को समझना और उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत समय चक्र को बताने वाले आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारत का विशाल साहित्य उदात्त संस्कारों के साथ ही शास्त्रीय ज्ञान तथा मौलिक चिंतन का भी स्रोत है। इसमें विद्यमान सुभाषित भारतीय मनीषियों के ऐसे सुवचन हैं जो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली इन सूक्तियों से अपने साथ ही लोक हित की भी सहज प्रेरणा मिलती है। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। शुभेन कर्मणा सौख्यम्, दुःखं पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र, न कृतं भुज्यते क्वचित्। शुभ कर्म से सुख तथा पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। सर्वत्र कर्म ही फल देता है। बिना किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता। Noble actions result in happiness. Ignoble actions fetch sorrow. Everywhere, it is actions that has consequences. Inaction never gives any result. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद का अद्वितीय स्थान है। उसमें भी आचार्य वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए जानते हैं चिकित्सा के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आयुर्वेद, जिसका प्रथम उद्देश्य है स्वस्थ शरीर की रक्षा करना, इसी क्रम में आचार्य वाग्भट्ट ने आयुर्वेद की चिकित्सा की प्राचीनतम पद्धतियों का अध्ययन कर प्राचीन संहिताओं को आधार बनाकर आरोग्य प्राप्ति के सूत्रों का विशद वर्णन अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया। अष्टांग हृदय ग्रंथ के आयुष काम्य नामक अध्याय के महत्वपूर्ण विषयों के वर्णन क्रम में आज जानते हैं रोगी के परीक्षण के लिए प्रकार और उपाय, उपचार में काल और औषध भेद आदि के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी रोगी के परीक्षण के लिए कौन से प्रकार और उपाय होते हैं। दर्शन स्पर्श प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम रोगम निदान प्राग रूप लक्षणोपशयाप्त भी। त्रिविध रोगी परीक्षा का वर्णन करते हुए वाग्भट्ट कहते हैं कि दर्शन अर्थात देखकर, स्पर्शन अर्थात छूकर तथा प्रश्न अर्थात रोगी को पूछकर इन उपायों से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। साथ ही रोग परीक्षा के 5 उपाय भी कहे गए हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय एवं संप्राप्ति। इन 5 उपायों से रोग की परीक्षा की जाती है।
रोग उत्पन्न करने वाले कारणों को निदान कहते हैं। रोग उत्पन्न होने से जो पहले लक्षण दिखाई देते हैं वे पूर्व रूप हैं। जो लक्षण रोग होने पर साथ साथ रहते हैं वे रूप या लक्षण हैं। गूढ़ लक्षणों वाले रोग का ज्ञान कराने वाला साधन उपशय है। रोग में कौन सा औषध, आहार एवं विहार लाभदायक है यह भी उपशय से ज्ञात होता है। रोग कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार बढ़कर इस रूप में आया, यह इतिहास ही संप्राप्ति है। आयुर्वेद में वाग्भटाचार्य जी का योगदान, अति महत्वदान योगदान किया उन्होंने अष्टांग हृदय की संरचना करकर। अष्टांग हृदय एक ऐसा ग्रंथ है जो उसके पहले के दोनों ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का मिलित स्वरूप है। उसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का सार गर्भ स्वरूप में युगानुरूप करकर अष्टांग हृदय की संरचना की गई, इसलिए वाग्भटाचार्य का योगदान अति महत्वपूर्ण माना गया। उपचार के काल के भेद का वर्णन करते हुए कहा गया है, क्षणादिर व्याध्यवस्था च कालो भेषज योग कृत शोधनम शमनम चेति समासादौषधम द्विधा। अर्थात क्षण, लव, निमेशादि काल गणना वाचक तथा व्याधि की अवस्था के अनुसार काल के दो प्रकार होते हैं। इनका औषध उपचार में उपयोग किया जाता है। किसी रोग के साम, निराम, मृदु, मध्य आदि अवस्था को देखकर उसी के अनुरूप औषध व्यवस्था की जाती है। संक्षेप में औषध दो प्रकार की होती है, शमन औषध एवं शोधन औषध। जो औषध कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग का शमन करती है वह शोधन औषध है, तथा शमन औषध शरीर के दोषों को अपने अपने स्थान में ही शांत कर सम करती है। शारीरिक दोषों की परम औषध की बात करें तो कहा गया है, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्तिर वीरे को वमनम तथा तैलम घृतम मधु। अर्थात शारीरिक दोष वात, पित्त एवं कफ के विकृत होने पर क्रमशः वस्ति, विरेचन एवं वमन से शोधन करना परमौषध कहलाता है। इन कर्मों के लिए अर्थात वात में वस्ति के लिए तेल, पित्त में विरेचन हेतु घी एवं कफ में वमन के लिए मधु शमन रूप परमौषध है। मानस रोगों के परमौषध के बारे में कहा गया है, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। अर्थात हिताहित विवेक करने वाली बुद्धि, धैर्य धारण करना, योग ध्यान आदि से आत्मज्ञान होना, ये तमोगुण एवं रजोगुण से उत्पन्न मानसिक विकारों की परम औषध है। आयुर्वेद और इससे संबद्ध ग्रंथ आरोग्य प्राप्ति के लिए अप्रतिम ग्रंथ हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस शास्त्र का उपदेश का अनुकरण करते हुए जीवन को दीर्घायु संपन्न तथा शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्त बनाए रखना चाहिए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत करते हैं और चलिए अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को ड्रग्स व मादक पदार्थों के खतरे से दूर करना है। कितने ही लोग ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, आइए समझते हैं कि नशा करने का स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होता है और नशा मुक्ति के विकल्प क्या है, हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नशे की लत स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। हर वर्ष विश्व भर में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ड्रग्स के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाना, साथ ही बच्चों, किशोरों और वयस्कों को नशे की लत से बचाना। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है।
ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार की थीम है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग यूज़, नशे की तरफ ना जाया जाए, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। इसमें परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, घर वालों का, ताकि बच्चे की परवरिश इस किस्म से हो कि बच्चा जो है उसको ये जानकारी दी जाए कि नशे के क्या नुकसान हैं। बच्चे को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि नशा एक हानिकारक चीज़ है। घर में ऐसा माहौल बना के रखना जहाँ नशा नहीं होता, ताकि बच्चा ये समझे कि नशा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, घर में भी कोई इसको करता नहीं है। और ऐसा रिश्ता नाता बना के रखना बच्चों के साथ, ताकि जीवन में जो भी उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस उम्र में भी आते हैं, उनमें उनको घर वालों का पूरा साथ मिले। इसके साथ साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिसिप्लिन परिवार वाले पूरी तरीके से लागू कर सके। नशा एक बीमारी है जो बच्चों से लेकर युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है और उनके जीवन के लिए कई जटिलताएं बढ़ा रही है। तंबाकू, शराब या ड्रग्स जैसे पदार्थों का सेवन कई तरह से हानि पहुंचाता है। नशा किसी भी रूप में लिया जाए स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। नशा करने पर व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से भ्रम की स्थिति, तालमेल और संतुलन में कमी, फैसले लेने में परेशानी, चक्कर आना, याददाश्त में कमी, सिरदर्द, घुटन, दौरा पड़ना, धड़कन बढ़ना या भूख अधिक लगना, इस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। बच्चा अपने आप में रहने लगता है, घर वालों से घुलना मिलना कम कर देता है, उसकी संगत ऐसी होती है जो नशा करने वाले बच्चे हैं, घर के बाहर बहुत टाइम बिताने लगता है, पैसे मांगने लगता है, गुस्सा करने लगता है या घर से पैसे उठाने लगता है, स्कूल में उसकी पढ़ाई कमज़ोर होने लगती है, पहले अच्छा था तो भी अब स्कूल में मार्क्स कम होने लगते हैं, स्कूल से गायब होने लगता है या स्कूल में फेल हो जाता है। तो इन सब चिन्हों से या कोई ऐसी नशे की चीज़ उसके पास मिल जाती है तो घर वालों को अंदेशा होने लगता है कि शायद बच्चा जो है नशे की तरफ जा रहा है, या कई बार टीचर्स को पता चल सकता है। कभी कभार अगर उसने दो चार बार नशे से एक्सपेरिमेंट किया है तो उस तरह की काउंसलिंग स्कूलों में भी दी जा सकती है। अगर बच्चे में नशा बढ़ जाता है किसी कारण से तो फिर उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा सकता है। आज के समय में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि बच्चों और किशोरों में नशे की लत बढ़ रही है। किशोर और युवा कई कारणों से नशे का सहारा लेते हैं, इससे उनके सेहत पर प्रभाव पड़ता है और जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। नशे की लत के दुष्प्रभाव को पहचान कर उसका सही इलाज कराना आवश्यक है। स्कूल्स को भी ड्रग प्रिवेंशन पे काम करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज इसमें आ जाती है बच्चे को स्किल सिखाना, जिसकी नशे, अगर तुम्हें कोई शराब या तंबाकू या सिगरेट देता है तो उसको कैसे मना करना है, और बच्चे के जो अंदरूनी ताकत है, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस जो उसकी है, वो इतनी स्ट्रांग हो कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए और अपने अगर उसको कोई ऑफर भी करता है तो वो मना कर सके। स्कूल की एनवायरनमेंट भी ऐसी हो जो इंक्लूसिव हो, हर किस्म के बच्चे को बच्चा उस स्कूल का हिस्सा महसूस करे, और टीचर्स के साथ अच्छे संबंध, स्कूल में अच्छा माहौल ताकि उसको वहाँ जाना भी अच्छा लगे। तो ये सब जिम्मेवारी आ जाती है परिवार की और स्कूल की। हर प्रकार का नशा हानिकारक है। नशे की लत व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। नशे की लत को दूर करें, काउंसलिंग और इलाज से नशे की लत से मुक्ति संभव है। आवश्यकता है तो बस कोशिश करने की। बच्चों और किशोरों को सही मार्गदर्शन दें, जिससे वो नशे की ओर न बढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के उपायों को जानने के बाद अब बात योग शिक्षा की करते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है, इसलिए इसे दैनिक जीवन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।
आत्मविश्वास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कौन सी योगिक क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जानने के लिए देख लेते हैं आज का योग प्रभाग। नमस्ते, मैं समीर व्यास। आज हम देखेंगे कुछ आसन जो हमारे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए इस कड़ी में पहला आसन देखते हैं। पहला आसन का नाम है भुजंगासन। इसे करने का तरीका देख लें। पहले करवट लेते हुए लेट जाएंगे। एक करवट पे पूरी तरह से आ जाए, शरीर पूरी तरह से सीध में होगा और फिर पलट कर पेट के बल आ जाएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों से थोड़े से नीचे, छाती से बिल्कुल लगे हुए, दोनों कोनियाँ शरीर से बिल्कुल सटी हुई और माथा रहेगा जमीन से लगा हुआ। यह है प्रारंभिक अवस्था। एक बार ये अवस्था में आने के बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर तक आ जाएंगे। सिर्फ उतना ही ऊपर तक आए, ऊपर तक आना है जहां तक हमारी नाभि आ सके। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलो और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर दोनों हाथ छोड़कर आगे लेके आएंगे। कुछ देर इसी परिस्थिति में विश्राम की अवस्था में, और यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर से करवट लेकर एक तरफ आ जाए और अपने दोनों हथेलियों का सहारा लेते हुए फिर से आ जाए ऊपर और ऊपर दोनों पैर मोड़ के बैठ जाए। तो ये था भुजंग आसन का अभ्यास। आइए अब इसी कड़ी में दूसरे आसन करने की प्रक्रिया विधि देख लेते हैं। शुरुआती अवस्था में अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में कमर के जितना अंतर, पैरों के दोनों पंजे अंदर की ओर तने हुए और फिर धीरे 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 बिल्कुल सावधानी के साथ पीछे 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 चले जाएंगे और दोनों हाथ लगा देंगे जमीन पर, अंगूठे आगे की ओर, पैरों की सारी उंगलियां पीछे की ओर। एक बार यहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी कमर और छाती को ऊपर की ओर ढकेले थोड़ा सा और अपनी गर्दन को पूरी तरह से नीचे तक आ जाने दें। यहाँ पर बने रहेंगे 10 से 30 सेकंड तक और फिर यहीं से धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे और फिर हथेलियों का सहारा लेते हुए फिर से बैठ जाएंगे और शुरुआती अवस्था रहेंगे। तो ये थे उष्ट्रासन करने की विधि। आइए बढ़ चलते हैं हंसा माँ की ओर इस विषय में कुछ और जानकारी के लिए। नमस्कार। जीवन में काम करते करते कठिनाइयाँ तो आती ही हैं और सेटबैक्स भी आते हैं। आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उसका परिणाम सही नहीं मिला, तो क्या हुआ? अब आप इस तरह लंबी लंबी बातें मत करिए, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ें हाथ में लीजिए। आज का दिन आप कैसे सही ढंग से बिताएंगे, ऐसा कुछ काम करिए जो आप अच्छी तरह कर सकते हो और उसे करिए और उसका आनंद लीजिए। अपने अंदर विश्वास रखिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। कभी ये मत कहो कि मेरे से कैसे होगा, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है। ये सोचना ही गलत है। हर इंसान में काफ़ी क्षमता है और हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचना और यूं ही फालतू में सोचते रहना ये हमारी क्षमता को कम करता है। इसलिए सोचे नहीं, करें। एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए करते रहें छोटी छोटी चीज़ मगर अच्छी तरह, और गिनो कितनी अच्छी चीज़ें हुई है आपके हाथ से, तो आपका उत्साह बढ़ेगा ही। आसपास के दोस्तों को भी इस तरह रखो, दोस्त परिवार के लोग, जो आपका उत्साह बढ़ाएं, नहीं कि आपको नीचे गिराएं। तो ऐसे लोगों के साथ में बातें करना, हंसना हंसाना बहुत फ़ायदा करेगा। नमस्कार। और कार्यक्रम में फिलहाल समय है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए संस्कृत पाठशाला लेकर उपस्थित होते हैं।
जिसमें आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान कराते हैं। तो चलिए संस्कृत सीखने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। यदि हमें कहना हो क्यों जी, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे किमर्थम श्रीमन, किमर्थम श्रीमन, मिला क्या। इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे प्राप्तम खलु, प्राप्तम खलु, समझे। यदि इसे संस्कृत में बताना हो तो कहेंगे अभिज्ञातम, अभिज्ञातम। वाक्य यदि हो कैसा था, तो इसके लिए संस्कृत में प्रयोग करेंगे कथम आसीत, कथम आसीत। मान लिया ना, इसके लिए कहेंगे अंगीकृतम खलु, अंगीकृतम खलु। कितने चाहिए, इसके लिए कहेंगे कति अपेक्षितानि, कति अपेक्षितानि। वाक्य यदि हो आज ही क्या, संस्कृत में कहेंगे किम अद्य एव, किम अद्य एव। अभी ही क्या, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किम इदानीम एव, किम इदानीम एव। अभी नहीं, इसे कहेंगे इदानीम न, इदानीम न। वाक्य यदि हो आना चाहिए, तो संस्कृत में कहेंगे आगंतव्यम भोः, आगंतव्यम भोः। उसके लिए क्या, तदर्थम किम, तदर्थम किम। नहीं दिखाई देता, न दृश्यते, न दृश्यते। समाप्त हुआ क्या, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि समाप्तम, अपि समाप्तम। किस समय, कस्मिन समये, कस्मिन समये। फिर भी, तथापि, तथापि। नहीं चाहिए, यदि इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे न आवश्यकम, न आवश्यकम। याद है ना, स्मरति खलु, स्मरति खलु। जरा ठहरिए, तिष्ठतु भोः, तिष्ठतु भोः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास, व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। दर्शकों, किसी व्यक्ति की सुंदरता शरीर से नहीं होती है, बल्कि उसको सुंदर बनाते हैं उसके कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। ऐसी सुंदरता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, तो प्रयत्न और परिश्रम का बादल बनाइए, सफलता की बारिश सुनिश्चित है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात।